हेलो बच्चों, हम लोग आज यूनिट डायमेंशन से 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं और पर डे यानी वीक में 4 डे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे 10-10 क्वेश्चन करके हम पूरा फिजिक्स आपको कवर कराएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट डायमेंशन से। क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, डायमेंशन ऑफ 1/μ0ε0। योर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो म्यू नॉट बताओ मैग्नेटिक परमिटिविटी और ε0 इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, राइट। हमसे कह रहे हैं 1/μ0ε0 का डायमेंशन हमको बताना है। तो आप हमको बताइए जरा, लाइट का स्पीड आपको पता होगा, लाइट स्पीड बराबर 1/√ के अंदर μ0ε0 होता है। तो अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो बताओ सी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1/μ0ε0, राइट। तो हमको बताइए 1/μ0ε0 का डायमेंशन चाहिए, तो ये बताओ सी स्क्वायर के बराबर होगा। तो सी स्क्वायर, सी ए स्पीड ऑफ लाइट, L^-1, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो बताइए जो आंसर आएगा वो L^-2, ये हमारा डायमेंशन आएगा। तो बताइए L^-2, थर्ड पार्ट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये एकदम क्लियर है, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट 1/√μ0ε0। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
क्वेश्चन में कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच वन डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। कह रहे हैं इन दोनों के पेयर में कौन सा ऑप्शन है जिसका डायमेंशन सेम नहीं है। तो बताओ, एक है इम्पल्स और एक मोमेंटम। तो आपको ये पता होगा कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, राइट? इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये दोनों तो वैल्यू बराबर है, तो इनका डायमेंशन भी बराबर होगा। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट। तो याद करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, और हम लिखते हैं एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। तो जो एन अपॉन टू पाई है ये कॉन्स्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा एम बी आर और एच, इनका डायमेंशन बराबर होगा। तो बताइए भाई, इम्पल्स और मोमेंटम का डायमेंशन बराबर, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का मोमेंटम बराबर, डायमेंशन बराबर। तीसरा पढ़ते हैं वर्क एंड टॉर्क। तो बताइए, जो वर्क होता है वो होता है एफ इंटू एक्स, और जो टॉर्क होता है बताओ वो भी होता है एफ इंटू आर। तो बताइए भाई, टॉर्क फोर्स इंटू डिस्टेंस और वर्क भी फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो क्या बताओ, दोनों का डायमेंशन सेम होगा? यस। तो बताओ, पहला दूसरा तीसरा तो नहीं हो सकता। चौथा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ ए फोर्स। तो बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को हम लोग लिखते हैं एम आर स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ फोर्स होता है टॉर्क, जो कि होता है एफ इंटू आर। इनका डायमेंशन बताइए सेम नहीं होगा, तो इसलिए आंसर होगा हमारा फोर्थ, क्योंकि नॉट पूछा है, डज नॉट हैव पूछा है। तो बताओ आंसर हो जाएगा फोर, क्योंकि तीन ऑप्शन में जो पेयर लिखे गए हैं उनके डायमेंशन बराबर बराबर हैं, राइट? तो आंसर हमारा हो गया लास्ट। आई थिंक क्लियर बच्चों, जवाब दीजिए, एकदम क्लियर है? कोई डाउट किसी को इसमें? इसका डायमेंशन आप लिख भी सकते हैं। बताओ इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर। यहाँ बोलो, फोर्स का हुआ एम एल टी पावर माइनस टू इंटू एल, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। ये डायमेंशन बताइए बराबर नहीं है, इसीलिए आंसर लास्ट है, ओके? चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एम एल टी एंड सी जो है कूलाम है इज गिवन एज। बताओ हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालनी है एम एल टी और कूलाम के फॉर्म में। तो आपने पढ़ा होगा एफ एम मैग्नेटिक फोर्स। बताओ क्यू वी वी साइन थीटा पढ़ते थे, तो क्यू वी वी, राइट? तो जरा बताओ भाई, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन क्यू वी। हमको बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन पूछा है, तो बताओ वो भी किसके टर्म्स में? कूलाम के टर्म्स में। तो फोर्स का हुआ एम एल टी पावर माइनस टू एम इंटू ए, फोर्स को लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन, और क्यू हमारा कूलाम हो गया, और ये बताओ वेलोसिटी है तो एल टी पावर माइनस वन। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन होगा एम, ये बताओ यहाँ से जो एल आएगा वो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बताओ टी पावर माइनस वन और सी पावर माइनस वन। तो बताइए आंसर होगा एम टी पावर माइनस वन सी पावर माइनस वन थर्ड पार्ट। ये रिलेशन आपको याद होते ही है, बहुत आसान है। मैग्नेटिक फोर्स में जब कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है, तो जब वो सर्कल में घूमता है तो उस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता था क्यू वी वी, राइट? क्वेश्चन नंबर फोर पे आगे बढ़े। अब देखिए, ऐसा सवाल जब भी आए तो आप तीन चीज़ें इसमें कही गई हैं। एक तो कहा गया एंगुलर मोमेंटम, एक लेटेंट हीट, और एक कहा गया कैपेसिटेंस। तो आप तीनों का डायमेंशन मत निकालिए, हम तो आपसे कहेंगे आप कोई दो का डायमेंशन निकाल लो। तो पहले बताओ एक एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम होता है एम बी आर, एम बी आर। तो एम हो गया मास, वी हो गया एल टी पावर माइनस वन, आर हो गया एल, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस वन। ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन।
तो एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस वन या तो थर्ड होगा या बताइए हमारा फोर्थ होगा। अब देखिए जरा इसमें जो सेकंड है जो कि हमारा लेटेंट हीट है, ये और ये बराबर लिखा है, तो ध्यान दीजिए ये दोनों बराबर हो गए। अभी हमारे हमें कन्फ्यूजन है कि थर्ड आंसर होगा कि फोर्थ होगा, हमें सेलेक्ट करना है, लेकिन जो सेकंड डायमेंशन लिखी है लेटेंट हीट की वो दोनों में बराबर लिखी है। तो आप इसको मन ट्राई करिए, क्योंकि समय खराब होगा कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि दोनों में सेम है, तो बेहतर होगा हम चले जाएं इस पर कैपेसिटेंस पर। तो मैं डायमेंशन कैपेसिटेंस की लिखने चला, तो कैपेसिटेंस की डायमेंशन होगी सी बराबर क्यू बाई बी, राइट। और बताओ कैपेसिटेंस की डायमेंशन क्यू बाई बी, और बी को लिखेंगे ई इंटू डी, और क्यू बराबर होगा बताइए आई टी अपॉन ई इंटू डी, और ई इंटू डी हो जाएगा हमारा फोर्स अपॉन कूलम इंटू डी। तो बताओ भाई एक काम करो, इसको भी क्यू रहने दो चाहो तो, ये जो क्यू लिखा है तो ये ऊपर जाएगा, तो बताओ ये क्यू स्क्वायर अपॉन एफ इंटू डी हो गया। अच्छा देखो हमें एम्पियर में लिखना, अब क्यू को आई टी लिख दो भाई, तो ये देखो आई टी आई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एफ इंटू डी। अब देखो भाई बहुत आसान हो गया, बताओ आई का स्क्वायर तो एम्पियर का स्क्वायर, टी स्क्वायर अपॉन फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन एल टी पावर माइनस टू, और डी हो गया एल। देख लीजिए भाई, तो इसका डायमेंशन आएगा एम की पावर माइनस वन, एल की पावर माइनस टू, टी की पावर बताइए फोर हो गया, और एम्पियर का स्क्वायर। ये बताओ डायमेंशन आ रहा है, क्या ये यही लिखा है? बताओ ये वाला गलत हो गया, ये मैच नहीं कर रहा है, ये दोनों तो मैच करे, ये दोनों मैच करे, ये वाला मैच नहीं करा, तो इसलिए आंसर होगा लास्ट। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में कह रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एच प्लैंक कांस्टेंट एंड सी स्पीड ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू। हमको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में टाइम का एक्सप्रेशन तैयार करना है। तो पहले एक काम करो बेटा, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी और जो प्लैंक कांस्टेंट है एच, तो बताओ भाई जो जी होता है वो होता है एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो पहले जी की डायमेंशन हम अलग से लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो बताओ भाई, क्योंकि हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, तो जी हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो बताओ जी की डायमेंशन एम एल टी पावर माइनस टू मास इंटू एक्सेलरेशन एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो जी की डायमेंशन जो होगी एम की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री और टी पावर माइनस टू। देख लीजिए भाई ये हमारा जी का डायमेंशन हो गया, ठीक है। एम की पावर माइनस वन, टी पावर माइनस टू, एल की पावर यहां पर देखिए जरा थ्री हो गया, क्लियर है। एफ आर स्क्वायर था ये, तो ये एल की पावर थ्री, राइट। एच बताओ एच क्या होता है? एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, और प्लैंक कांस्टेंट होता है जूल इंटू सेकेंड, इसका यूनिट जूल इंटू सेकेंड, राइट। और बताओ अगर जूल इंटू सेकेंड होता है तो बताओ जूल एनर्जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एम एल टी माइनस टू इंटू एल इंटू टी, तो ये बताओ आएगा एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस वन। ये आ गया हमारा एच, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस वन, कोई डाउट है? अब देखिए भाई, अब अगर हम बात करें यहाँ पर सी स्पीड ऑफ लाइट, सी तो सी स्पीड ऑफ लाइट है मीटर पर सेकेंड एल टी पावर माइनस वन। अब तुम क्या करो बताओ, टाइम का डायमेंशन हमको लिखना जी की पावर हमने मान लिया ए, और एच की पावर हमने मान लिया बी, और या इसको मान लो एक्स मान लो क्योंकि ये सी लिखा है, तो इनको हम जरा अगर ऐसे लिखते हैं टी बराबर बताओ जी की पावर एक्स
एच की पावर वाई और सी की पावर जेड ऐसे लिख दे रहा है। अब हमको एक्स वाई और जेड फाइंड आउट करने हैं, तो बताओ बेटा टी बराबर जी का पावर, तो यहाँ देखो जी है एम पावर माइनस वन, एल पावर थ्री और टी पावर माइनस टू, ठीक है, और इसकी पावर हो गया एक्स, और यहाँ देखो एच एच है एम एल स्क्वायर और टी पावर माइनस वन की पावर वाई, और यहाँ देखो सी हो गया एल टी पावर माइनस वन की पावर जेड। अब बताओ डायमेंशन को जरा कंपेयर कर दीजिए, तो यहाँ एम की पावर जीरो बराबर, यहाँ देखो माइनस एक्स ये देखो प्लस वाई, और यहाँ पे देखो एम है ही नहीं तो जीरो, तो यहाँ देखो एक्स बराबर वाई आ गया, एक्स इक्वल टू वाई आ गया। अब देखो यहाँ एल की पावर जीरो है, यहाँ एल की पावर थ्री एक्स है, यहाँ एल की पावर टू वाई है, और यहाँ एल की पावर बताइए हमारा जेड है, राइट। तो ये बताओ थ्री एक्स प्लस टू वाई और प्लस जेड इक्वल टू जीरो, ये दूसरा रिलेशन, और हम तीसरी इक्वेशन बनाने जा रहे हैं टी की पावर वन, तो वन बराबर यहाँ देखिए माइनस टू एक्स, यहाँ देखिए माइनस वाई, और यहाँ देखो बेटा माइनस जेड, ये हमारा दूसरा रिलेशन होगा, ये हमारा तीसरा रिलेशन, ये दूसरा x बराबर वाई है, तो एक काम करो x बराबर वाई यहाँ रख दो, तो ये देखो कितना हो गया, ये हो गया 5x बराबर माइनस जेड, x को हमने y लिख दिया, और यहाँ देखो y को अगर हम x रखें तो 1 बराबर माइनस थ्री एक्स माइनस जेड, और माइनस जेड की जगह हम लोग प्लस का 5x रख सकते हैं, तो 2x बराबर 1, तो x की वैल्यू 1 बाई टू, और x अगर 1 बाई टू आ गया तो बताओ बेटा y इज ऑल्सो 1 बाई टू, y अगर 1 बाई टू आ गया तो यहाँ रख दो 3 बाई टू, इधर 2 बाई टू 5 बाई टू, तो z आ गया माइनस 5 बाई टू, तो z की वैल्यू माइनस 5 बाई टू आ गई। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आ गया वो कुछ ऐसा आ गया, t बराबर g की पावर हाफ, एच की पावर हाफ और सी की पावर माइनस 5 बाई टू। तो बताओ बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ज़रा देखिए सी पावर 5 नीचे आ जाएगा, अच्छा ये देखिए टी लिखा है, ये टी लिखा है बेटा टी, थोड़ा सा इधर आ जाए, एक्स वाई जेड हमारे ये तीनों निकल आए, अब बस वैल्यू यहाँ रखना बाकी रह गया, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो टी बराबर जी की पावर हाफ और ये एच की पावर हाफ और सी की पावर माइनस 5 बाई टू। तो बताओ बेटा क्या ये रूट के अंदर जी एच अपॉन सी की पावर 5 ये आंसर हो गया, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट, रूट जी एच अपॉन सी पावर 5। आई थिंक क्लियर, बहुत ही आसान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। सवाल पढ़ लीजिए, स्पीड वी एक्सेलरेशन ए फोर्स एफ आर कंसीडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस विल बी, बताओ वी स्पीड है ए एक्सेलरेशन है और फोर्स हमारा एफ है, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन, तो बताओ आपने पढ़ा होगा फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस, इसे बोलते थे हम लोग स्ट्रेस, और ये होता था यंग मॉडुलाई इनटू स्ट्रेन, ये स्ट्रेन होता था इसे हम लोग स्ट्रेन कहते थे। तो जरा बताइए यंग मॉडुलाई जो है वास्तव में वो फोर्स अपॉन एरिया है, तो फोर्स अपॉन एरिया की जो डायमेंशन होगी एम एल टी पावर माइनस टू, ये फोर्स अपॉन एरिया एल स्क्वायर, तो बताओ यंग मॉडुलाई की डायमेंशन हो गई एम एल पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू। गौर से देखिए ये आ गया यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन। अब हम लिख रहे हैं कि y को इसके टर्म्स में लिखना है हमको, तो हमने मान लिया कि y बराबर स्पीड की पावर x, एक्सेलरेशन की पावर y और फोर्स की पावर z हमने मान लिया,
तो हमको बताओ बेटा एक्स वाई जेड ही तो फाइंड आउट करने हैं, तो बताओ वाई यंग मॉडल आई का डायमेंशन आप निकाल चुके हैं, बताओ स्पीड का डायमेंशन अभी रख दे रहे हैं, तो बताओ ये हुआ एम एल पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू, ये हुआ एल टी पावर माइनस वन की पावर एक्स, और ये बताओ ए ध्यान से देखो बेटा ये एक्सलरेशन है, तो एल टी पावर माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो हमारा एफ है बताइए वो फोर्स है, तो एम इंटू एक्सलरेशन एल टी पावर माइनस टू की पावर जेड। अब बताओ बेटा फिर से वही इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ बताओ मास का इक्वेशन वन है, पावर वन है, इधर बोलो जीरो, इधर बोलो जीरो, उधर बोलो जेड, तो जेड बराबर वन आ गया, जेड बराबर वन आ गया, यानी फोर्स की पावर वन होगी, तो आंसर या तो सेकेंड या थर्ड, ये दोनों तो खराब हो गए, ये नहीं हो सकते। अब देखो भाई यहाँ एल की पावर माइनस वन, तो माइनस वन बराबर, इधर देखो एक्स, इधर देखो वाई, और इधर देखो बेटा जेड, यहाँ जेड, और जेड को अगर हम वन रख दें तो ये बताओ माइनस टू बराबर एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का सम माइनस टू होना चाहिए। तो अब देखिए भाई थर्ड और फोर्थ सेकंड में कंपटीशन है, तो ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स प्लस वाई यहाँ माइनस सिक्स आ रहा है, और यहाँ देखो एक्स प्लस वाई माइनस फोर प्लस टू माइनस टू आ रहा है, तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? हमने यहाँ पर जेड को वन रखा, वन इधर आया माइनस टू, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू माइनस टू होनी चाहिए, और वो माइनस टू इसमें हो रहा, तो आंसर सेकेंड। मत करिए पूरा सॉल्व, एक्स वाई मत निकालिए, आपने इक्वेशन बना ली है, ऑप्शन पर नज़र रखिए हमेशा, जल्दी सॉल्व होता है। बात समझ में आ रही है? हमने बताइए तीसरी इक्वेशन बनाई ही नहीं, हमने दो इक्वेशन से ही आंसर पकड़ लिया। क्या तीसरा इक्वेशन बनाए? तीसरा इक्वेशन अगर बनाते तो क्या बनता बताओ? यहाँ टी की पावर माइनस टू है, यहाँ देखो माइनस एक्स या माइनस टू वाई, और ये माइनस टू जेड, और जेड की वैल्यू वन है, तो माइनस टू बराबर माइनस एक्स माइनस टू वाई, और ये माइनस टू, तो यहाँ से बताओ आता है एक इक्वेशन एक्स प्लस टू वाई बराबर जीरो। फिर हम सॉल्व करते एक्स प्लस वाई माइनस टू है और एक्स प्लस टू वाई जीरो है, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है, हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया कि आंसर सेकंड होगा। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सेवन नंबर देखो बेटा, बताइए x बराबर फाइव बाई जेड स्क्वायर, फाइव तो एक कांस्टेंट नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसे हम हटा सकते हैं। ऑफ कैपेसिटेंस, x जो है वो कैपेसिटेंस है, y जो है मैग्नेटिक फील्ड है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ y इन ऐसा यूनिट? तो ध्यान दो, हमें x जो है वो क्या है, कैपेसिटेंस, तो x को लिख दिया हमने c, फाइव कांस्टेंट हटा दे रहे हैं, y का डायमेंशन निकालना, z हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो ये देखो जेड की जगह हमने मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया, तो बताओ जो वाई का डायमेंशन होगा वो कैपेसिटेंस अपॉन वी स्क्वायर होगा, वी स्क्वायर होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर या एक काम करें, इनकी चलिए डायमेंशन लिख ही दे रहे हैं, तो जो हमारा सी होगा कैपेसिटेंस, इसका डायमेंशन अभी मैं निकाल के गया था क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, कैपेसिटेंस का डायमेंशन अभी अभी मैं निकाल के गया था, तो मैं उसको चाहोगे डायरेक्ट यूज कर लूँ या फिर से निकाल दूँ? आप लोग रिप्लाई करिए, कैपेसिटेंस का डायमेंशन मैं डायरेक्ट यूज कर लूँ या फिर से कर दूँ? अभी अभी मैं सॉल्व करके गया हूँ, तो कैपेसिटेंस का जो डायमेंशन था वो आया था एम पावर माइनस वन और एल पावर माइनस टू और टी पावर फोर और ये था एम्पियर स्क्वायर, ये कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्वेश्चन नंबर फोर में निकाल के गया हूँ मैं, उसको मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, और हमें आंसर देखिए क्वेश्चन में एम्पियर के टर्म्स में देने,
तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप रिजल्ट यूज करो एफ बराबर क्यू वी वी। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड हो गया एफ अपॉन क्यू वी, ठीक है। और एफ को हम लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं, और ये बताओ वेलोसिटी है, और क्यू को लिख दो आई टी। एफ अपॉन आप चाहो तो ऐसे लिख दो आई टी इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, एल टी पावर माइनस टू, आई हो गया एम्पियर, टी हो गया टाइम, और वी हो गया एल टी पावर माइनस वन मीटर पर सेकेंड। तो ज़रा बताइए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन, ये एम एल से एल जाएगा, और ये बताओ टी भी गया ए पावर माइनस वन और टी पावर माइनस टू, एम ए पावर माइनस वन और टी पावर माइनस टू आ रहा है। तो ये वैल्यू बताओ हम यहाँ रख दें एम ए पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू का स्क्वायर। तो ज़रा देखिए वाई की डायमेंशन, तो ये एम स्क्वायर ऊपर हुआ एम पावर माइनस थ्री, एल पावर माइनस टू, ये माइनस टू है ए की पावर माइनस टू है ऊपर जाएगा ए की पावर फोर, और टी पावर माइनस फोर ऊपर जाएगा टी की पावर एट, ये आएगा डायमेंशन हमारा वाई का। तो बताइए वाई की जो डायमेंशन आ रही है एम पावर माइनस थ्री, एल पावर माइनस टू, टी पावर एट, ए पावर फोर, थर्ड आंसर। लेकिन यहाँ पे हमने कैपेसिटेंस का डायमेंशन डायरेक्ट लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फोर अभी करके गए उसमें हमने आपको कैपेसिटेंस का डायमेंशन सी बराबर क्यू वाई बी से निकाला था, और वोल्टेज को ई इंटू डी लिखा था। आई थिंक क्लियर। क्वेश्चन नंबर एट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट पे चल रहा है, ये देखो बेटा ये आ गया एट नंबर क्वेश्चन, पढ़ लीजिए। परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी पी क्यू आर एस ये दिया गया है, और ये हमारा एक्सप्रेशन ए का, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन ए, तो बताओ ये एक्सप्रेशन है, तो इतना तो आपको पता ही होगा डेल्टा ए अपॉन ए बराबर मॉडुलस थ्री टाइम्स डेल्टा पी अपॉन पी प्लस टू टाइम्स डेल्टा क्यू अपॉन क्यू प्लस वन बाई टू टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर और प्लस डेल्टा एस अपॉन एस। ये देखिए एस रूट के बाहर लिखा है, एस रूट के बाहर लिखा है, चलिए वैल्यू रख दीजिए। तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, तो ये बताओ 3 इंटू पी में जो परसेंटेज एरर है वो 0.5, तो 1/2 2 इंटू डेल्टा क्यू 1 हुआ 1% प्लस 1/2 आर में बताइए कितना है 3% इंटू 3 प्लस एस में 1.5। तो देखो बेटा ये 1.5 प्लस 2 प्लस 1.5 प्लस 1.5, तो ये बताओ कितना आ रहा है 6.5%। तो आंसर हो जाएगा लास्ट, देख लीजिए। क्लियर है बच्चों? अब हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, बहुत ही आसान सवाल 9 नंबर। देखिए करण द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, बताओ स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है बेटा 4πr², तो बताओ रिलेटिव एरर इन एरिया डेल्टा ए बाई ए विल बी इक्वल टू 2 times ऑफ डेल्टा आर बाई आर। तो देखो भाई अल्फा दिया गया रिलेटिव एरर, तो अल्फा हो गया डेल्टा ए बाई ए, ये हो गया 2 times डेल्टा आर बाई आर। तो यहाँ से देखो डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू अल्फा बाई 2 आ गई भाई, देख लीजिए। हम जो कह रहे हैं रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो बताओ वॉल्यूम का एक्सप्रेशन होता है स्फीयर है, तो 4/3 πr³।
तो बताओ ये तो कांस्टेंट नंबर होता है, तो डेल्टा वी अपॉन वी क्यूब है ये, तो थ्री टाइम्स डेल्टा आर वाई आर, और डेल्टा आर वाई आर की वैल्यू अल्फा वाई टू रख दीजिए, तो थ्री इंटू अल्फा वाई टू, तो आंसर आएगा बेटा थ्री अल्फा वाई टू, ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, और अब आ रहा है आज की क्लास का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। टेन नंबर क्वेश्चन बड़ी कह रहे, द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन द शेप ऑफ ए क्यूब इज डिटरमिंड बाई मेजरिंग थ्री साइड ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास। इफ द रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास एंड लेंथ इज 1.5% एंड 1%, देन मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी। तो बताओ मैक्सिमम एरर किस में पूछा है, डेंसिटी में। तो बताओ डेंसिटी का एक्सप्रेशन रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन क्यूब है तो एल क्यूब, अगर साइड लेंथ हम एल मान लें तो बताओ वॉल्यूम हो जाएगा एल क्यूब। तो बताओ हमको डेल्टा रो अपॉन रो अगर लिखना है तो ये बनेगा डेल्टा एम अपॉन एम प्लस थ्री टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। तो बताओ अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, तो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100, तो दैट इज द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो ये बताओ बन जाएगा डेल्टा एम बाई एम इंटू 100, ये बनेगा परसेंटेज एरर इन मास, और ये बताओ थ्री टाइम्स ऑफ डेल्टा एल वाई एल, ये बनेगा परसेंटेज एरर इन साइड लेंथ। चलिए वैल्यू रखिए, मास में परसेंटेज एरर 1.5%, तो 1.5 प्लस लेंथ में है 1, तो 3 इंटू 1, तो आंसर आएगा 4.5%, ये आंसर हो जाएगा। राइट, बधाई भाई। तो ये हम लोगों ने 10 सवाल करे, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डलवा दिया जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे। आप इन क्वेश्चन को दोबारा भी लगा सकते हैं, और इसके आगे हम लोग अगले टॉपिक से स्ट्रेट लाइन मोशन से कल आपको नेक्स्ट 10 क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लगातार जुड़े रहें, रिवाइज करते रहें, एक भी क्लास मिस ना करें, और टेस्ट भी देते रहें, जो कंबाइंड टेस्ट में करा रहा हूँ वो टेस्ट भी आप देते रहें। ओके बेटा भाई।